जय हिंद दोस्तों, मैं ललित कुमार ठाकुर स्वागत करता हूं आप सभी का। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं जलवायु विज्ञान के अंतर्गत एक टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है जलवायु विज्ञान की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक जलवायु विज्ञान का विषय क्षेत्र। जैसे कि आप सभी को पता है, ज्योग्राफी को दो प्रमुख शाखाओं में बांटा गया है। भूगोल के दो प्रमुख शाखा है, पहला है फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल के अंतर्गत एक प्रमुख उपशाखा है। इससे पहले कि हम जाने जलवायु विज्ञान क्या होता है एवं उसके परिभाषाओं का अध्ययन करें, इससे पहले हम दो शब्दों के बारे में जानना हमें आवश्यक है। सबसे पहला शब्द है मौसम और दूसरा शब्द है जलवायु। तो चलिए देखते हैं मौसम क्या होता है। मौसम किसी स्थान के किसी निश्चित समय में वायुमंडलीय दशाओं के योग को मौसम कहा जाता है। इस बात को समझ लीजिए, वायुमंडल की दशाएं से मतलब है हमारा तापमान, पवन, वायुदाब, आर्द्रता एवं वर्षा। मौसम का अर्थ होता है कि किसी क्षेत्र के किसी निश्चित समय में वहां की तापमान दशाएं, पवन की दशाएं किस प्रकार है, वायुदाब की दशाएं किस प्रकार है, आर्द्रता की दशाएं किस प्रकार है, वर्षा की दशाएं किस प्रकार है। इसमें ध्यान देने योग्य यह बात है कि जब भी हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम किसी क्षेत्र के वायुमंडलीय दशाओं के लघु समय में जैसे दिन, सप्ताह, महीना को प्रदर्शित करता है। अर्थात सीधे तौर पे बात करूं तो मौसम किसी क्षेत्र के निश्चित समय के अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाओं को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक वैसे ही जलवायु किसी स्थान के दीर्घकालिक वायुमंडलीय दशाओं के योग को जलवायु कहा जाता है। देखिए, मौसम एवं जलवायु एक ही जैसे हैं, परंतु इसमें सिर्फ समय का अंतर है। यदि वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन अल्पकाल में हो रहा है जैसे दिन, सप्ताह में, तो वह कहलाता है मौसम। और वही वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन यदि दीर्घकाल में हो रहा है तो वह कहलाता है जलवायु। दीर्घकाल से मतलब है 1 साल, 10 साल, 20 साल में वायुमंडलीय दशाएं किस प्रकार है, इसका अध्ययन जलवायु विज्ञान जलवायु में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं जलवायु विज्ञान की कहानी। जलवायु विज्ञान जिसे इंग्लिश में क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है, अंग्रेजी भाषा के क्लाइमेटोलॉजी शब्द से लिया गया है। और यह अंग्रेजी भाषा का क्लाइमेटोलॉजी शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द से बना है। पहला शब्द है क्लाइमा और दूसरा शब्द है लॉगस। क्लाइमा का अर्थ होता है पृथ्वी का झुकाव या ढाल। दूसरा लॉगस का अर्थ होता है वर्णन या वितरण। देखिए, ग्रीक विद्वानों के बीच मान्यता रही कि सूर्य की किरणों को तापमान का जनक माना गया। और विचार यह था कि सूर्य की किरणें के झुकाव से अक्षांश का निर्धारण होता है। देखिए, सूर्य की किरणें को तापमान का जनक माना गया और सूर्य की किरणें के झुकाव से अक्षांशों का निर्धारण होता है। और आप सभी जानते हैं कि तापमान में के वितरण में अक्षांश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। चलिए बात करते हैं, क्लाइमेटोलॉजी को हिंदी में कहते हैं जलवायु विज्ञान। थोड़ा सा इसके हिंदी अर्थ के बारे में भी समझ लेते हैं। हिंदी भाषा में जलवायु शब्द दो शब्दों से बना है, पहला जल और दूसरा वायु, जिसमें अर्थात हिंदी भाषा के अनुसार जलवायु विज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत जल तथा वायु के दशाओं का वर्णन किया जाता है। ध्यान देंगे कि दो शब्द जल एवं वायु, इन दोनों के दशाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, जलवायु विज्ञान कहलाता है, हिंदी भाषा का शाब्दिक अर्थ यदि लिया जाए तो। वही दूसरी ओर ग्रीक भाषा के क्लाइमो और लॉगस शब्द से क्लाइमेटोलॉजी का निर्माण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बात करते हैं थोड़ा सा जलवायु विज्ञान की परिभाषा के संदर्भ में। हार्टसोन महोदय की एक प्रसिद्ध किताब जिसका नाम है द परस्पेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ ज्योग्राफी, इस किताब में हार्टसोन महोदय ने जलवायु विज्ञान की एक परिभाषा दी है। उन्होंने कहा, यह एक क्रमबद्ध विज्ञान है जिसमें वायुमंडल के तत्वों के वितरण एवं प्रक्रियाओं तथा विश्व में जलवायु के दशाओं में विविधता का अध्ययन करता है। देखो, इसमें सबसे पहले उन्होंने क्या कहा कि यह एक क्रमबद्ध विज्ञान है, और एक क्रमबद्ध विज्ञान किस प्रकार का है, जिसमें वायुमंडल के तत्वों के वितरण एवं प्रक्रियाओं साथ ही साथ विश्व के जलवायवीय दशाओं में विविधता का अध्ययन करने वाला एक क्रमबद्ध विज्ञान है। समझ लीजिए एक बार फिर, वायुमंडलीय तत्वों के वितरण एवं प्रक्रियाओं तथा विश्व में जलवायवीय दशाओं में जो विविधता है, इन दोनों का अध्ययन करने वाला एक क्रमबद्ध जो विज्ञान है उसे क्या कहा गया, जलवायु विज्ञान कहा गया। किसके द्वारा? हार्टसोन महोदय के द्वारा। और इन्होंने यह कहा था अपनी प्रसिद्ध किताब दी परस्पेक्टिव ऑन दी नेचर ऑफ ज्योग्राफी में। ये तो थोड़ी उलझन और टेक्निकली बातें थी, थोड़ा सा और इसको आसान करते हैं। चलिए बात करते हैं एक आसान सा डेफिनेशन के बारे में। धरातल के किसी विशेष प्रदेश या किसी विशेष स्थान पर किसी निश्चित अवधि में वायुमंडलीय दशाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या है? जलवायु विज्ञान है। कोई भी अगर प्रदेश है तो उस प्रदेश में एक निश्चित किसी प्रदेश में एक निश्चित समय में वहां के जो वायुमंडलीय दशा होगा उसका अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा गया है? जलवायु विज्ञान कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष तौर पे हम कह सकते हैं कि जलवायु विज्ञान भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसके अंतर्गत वायुमंडल की दीर्घकालीन औसत दशाओं का अध्ययन किया जाता है, ये हम जानते हैं। देखो, क्या क्या चीजें हमें पता चल रही है उसको ध्यान में रखेंगे। पहला चीज है कि भौतिक भूगोल की एक प्रमुख शाखा है, वही इसके अंतर्गत वायुमंडल की दीर्घकालीन दशाओं के औसत का अध्ययन किया जाता है। आगे, इस विज्ञान में जलवायु के तत्वों के धरातलीय वितरण प्रतिरूप की व्याख्या पर विशेष बल दिया जाता है। चूंकि हम लोग ज्योग्राफी के अंतर्गत जलवायु विज्ञान पढ़ रहे हैं, तो धरातलीय वितरण और प्रतिरूप की व्याख्या करना तो जरूरी ही जरूरी है। सीधी तौर पे कह रहा है कि वायुमंडलीय के दीर्घकालीन दशाओं के औसत का अध्ययन धरातल के वितरण प्रतिरूप की व्याख्या के आधार पर किया जाता है। वहीं जो जलवायु के तत्व है, जैसे कि तापमान, आर्द्रता, पवन और वर्षा, इन सभी का मानवों पर किस प्रकार से प्रभाव होता है, इसका भी अध्ययन जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। चलिए कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं। बात करते हैं जलवायु विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र के बारे में। अब बात करते हैं कि आखिरकार जलवायु विज्ञान के अंतर्गत क्या क्या स्टडी किया जाता है, क्या क्या अध्ययन किया जाता है, या अन्य शब्दों में कहूँ तो विषय क्षेत्र क्या है इसका। तो कुछ नहीं है, जो पुराना हमने पढ़ा है डेफिनेशन और मीनिंग के अंतर्गत, वही सबको दोबारा एक बार समझना है। चलिए बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट कि इसके अंतर्गत ऊष्मा विनिमय, विनिमय से मतलब है लेन देन, आदान प्रदान, आना जाना। ऊष्मा विनिमय, आर्द्रता विनिमय, पवन प्रवाह में पाए जाने वाले स्थानिक एवं कालिक परिवर्तनों एवं उत्तरदायी कारकों का अध्ययन किया जाता है। कह रहा है कि किसी स्थान एवं समय के अनुसार ऊष्मा विनिमय, आर्द्रता विनिमय और पवन प्रवाह में जो परिवर्तन पाया जाता है उसके उत्तरदायी कारकों का क्या करता है, अध्ययन करता है हमारा जलवायु विज्ञान। दूसरा देखते हैं, जलवायु विज्ञान के विभिन्न तत्व जैसे सूर्यताप, तापमान, आर्द्रता, वायुदाब, मेघ, वर्षा आदि का मानवों पर जो प्रभाव पड़ता है उसका भी अध्ययन किसमें किया जाता है, जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला देखते हैं, इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, तापमान, वायुदाब, चक्रवात, प्रति चक्रवात,
वायु राशियां, वताग्र आदि से संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों का भी अध्ययन करता है। देखिए, वायुमंडल जो तत्व है उसका मानवों पे प्रभाव का तो अध्ययन करता ही है, साथ ही साथ उससे संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों का भी अध्ययन इसी जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। आगे बात करते हैं मौसम एवं जलवायु के तत्वों की प्रादेशिक भिन्नता के साथ जलवायु का भी अध्ययन करता है। अब जैसे कि मैंने बात कहा था कि चूंकि भूगोल के अंतर्गत पड़ रहा है तो प्रादेशिक भिन्नता के अनुसार जलवायु कैसी होगी इसका अध्ययन करना तो बनता ही बनता है। अगला है हमारा मौसम एवं जलवायु के तत्वों का मानवीय क्रियाकलाप, स्वास्थ्य, शारीरिक बनावट एवं अर्थव्यवस्था में पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन भी इसी हमारे क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। इस प्रकार से एक छोटा सा वीडियो था, छोटा सा लेक्चर था जो आप लोग के समक्ष रखा गया। आगे आने वाले समय में और भी लेक्चर्स आएंगे तो बने रहिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। जय हिंद।